व्हाट्स अप सो दिस इज विजल कुमार सेन। हेडिंग आपने देख लिया। आज मैं बात करने वाला हूँ लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो होपफुली आपको पता होगा फर्स्ट लॉ का डेफिनेशन, सबको पता होता है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट? मुझे पता नहीं आपको पता नहीं पता है। अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करेंगे, थोड़ा और नॉलेज की बात करेंगे, इसको हम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ भी बोल सकते हैं, जूल्स लॉ भी बोल सकते हैं, राइट? लेकिन हम यहाँ बात करेंगे लिमिटेशन के बारे में। पहला, ये हमें डायरेक्शन के बारे में बात बिल्कुल नहीं करता है, डायरेक्शन के बारे में बिल्कुल बात नहीं करता है। दूसरा, हमें बोलता है, हमें ये नहीं बोलता है कि कितना वर्क, मतलब कितना हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके बारे में बात नहीं करता है। मतलब फिजिबिलिटी के बारे में बात बिल्कुल नहीं करता है। सीधा सीधे बात क्या करता है ये कि क्लोज साइकिल में डी क्यू इज इक्वल टू क्लोज साइकिल में डी डब्ल्यू हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इन टू वर्क इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? उसमें और भी चीज़ें हैं। ये हमें एंट्रोपी के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं बोलता है कि एंट्रोपी क्या है क्या नहीं है, ये बिल्कुल कुछ नहीं बोलता है इसके बारे में, राइट? तो ये अगर तीन आपका लिमिटेशन अगर बात करेंगे, तीन लिमिटेशन आपके काम के हैं। और अगर बात करोगे थोड़ा सा और, हमें ये नहीं बोलता है कि इसमें क्वेश्चंस क्या क्या उठते हैं, मतलब यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है। हमें जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है कि इसमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से, कि हीट और वर्क के बारे में बात करता है, फिजिबिलिटी के बारे में बात करता है, डायरेक्शन के बारे में बात करता है, और एंट्रोपी भी उसके बात है। मतलब क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के जो लिमिटेशन है उसका सोल्यूशन हमें कौन दे रहा है, सेकेंड लॉ दे रहा है। अगर ढंग से आप देखेंगे तो सेकेंड लॉ दे रहा है, तो इसलिए हम फर्स्ट लॉ के बाद ही सेकेंड लॉ पढ़ते हैं, राइट? और एक बात अगर बात करेंगे थोड़ा सा और, कुछ क्वेश्चन फर्स्ट लॉ के साथ रह जाते हैं। जैसे अगर बात करते हैं कि मान लो कि कोई प्रोसेस हो रहा है, राइट? तो उसमें कितना प्रोसेस जो है कितना फिजिबल है उसके बारे में हमें पता नहीं लगता। मतलब क्या ये प्रोसेस सही में हो सकता है नहीं हो सकता है हमें पता नहीं लगता। जैसे मान लो कि हम बताता है कि नेट हीट इज इक्वल टू नेट वर्क, क्या सही में पॉसिबल है, मतलब रियलिटी है, नॉट ट्रू, राइट? अगर आप भी देखोगे क्या सही में पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो ये सारा क्वेश्चन हमें छोड़ के रहता है। तो ये इसलिए आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, बहुत सारे पूछते रहते हैं कि लिमिटेशन क्या होते हैं। तो ये तीन काफ़ी अच्छे लिमिटेशन हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में। अगर कोई पूछता है आप इनको आप बता सकते हैं। तो गाइस, अगर कोई और टॉपिक में लिमिटेशन में आपको दिक्कत आ रही है आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर छोटे छोटे वीडियो बना के आपके साथ शेयर करा करूँगा, जैसे ये वीडियो बनाया, ताकि आप लोगों का जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन मिल जाए। और थोड़ा डिटेल्स में और बातें करेंगे हम। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आता है तो ज़रूर बताएं नीचे कमेंट में, राइट? सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।